आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच अब वनडे सीरीज के बाद जल्द ही T20 सीरीज भी शुरू होने वाली है, जिसके पहले मैच शुरू होते ही शिखर धवन एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको शिखर धवन के इस रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल में से कौन शिखर धवन के साथ T20 सीरीज में ओपनिंग करता नजर आ सकता है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का हर एक मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया। बता दें, जहां शुरुआत के दो मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाकर सीरीज को अपने नाम किया, वहीं दूसरे और तीसरे मुकाबले में श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने बड़ा ही जबरदस्त वापसी की और अपने प्रदर्शन से काफी साफ जाहिर कर दिया कि T20 सीरीज में दोनों टीमें अपने जबरदस्त खेल के जलवे मैदान पर बिखेर सकती हैं। अब देखना यह रहेगा कि कौन सी टीम अपने घातक प्रदर्शन से सीरीज पर अपनी धाक जमा सकती है। दोस्तों, बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच रविवार 25 जुलाई को खेला जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण सोनी 10/3 चैनल पर शाम 8 बजे से होगा। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज के पहले मैच में जब भारतीय कप्तान शिखर धवन मैदान पर उतरेंगे तो एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बता दें, शिखर धवन भारतीय टीम के T20 मुकाबले में कप्तानी करने वाले सबसे उम्र दराज कप्तान बन जाएंगे और वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास के 4th नंबर के सबसे उम्र दराज कप्तान बनेंगे। दोस्तों, बता दें, शिखर धवन से पहले यह रिकॉर्ड भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम था, जो कि पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी T20 मैचों में कर रहे थे। उन्होंने 2017 में भारत की ओर से T20 में अपनी कप्तानी का डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 30 साल 234 दिन की उम्र में किया था और उन्होंने श्रृंखला में श्रीलंकाई टीम को बड़ी जबरदस्त करारी हार दी थी। दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए तो शिखर धवन श्रीलंका के विरुद्ध में भारत की ओर से T20 में अपनी कप्तानी का डेब्यू 35 साल 232 दिन की उम्र में करेंगे। दोस्तों, बता दें, इससे पहले शिखर धवन कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड वनडे सीरीज में भी अपना नाम किया था, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में भारतीय टीम की कप्तानी की कमान पहली बार संभाली थी और उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे सीरीज में बड़ी शानदार जीत हासिल कराई। दोस्तों, अब उनसे T20 सीरीज में कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। जिस तरीके का प्रदर्शन हमें भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा IPL में देखा, ऐसा ही प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी देखा जाए तो भारतीय टीम श्रीलंका टीम को चारों खाने चित करके T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, शिखर धवन की कप्तानी के नेतृत्व में क्या युवा भारतीय खिलाड़ी श्रीलंकाई टीम को हराकर T20 सीरीज को अपने नाम कर पाएंगे या नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।